Hi friends, today we are discuss about of adrenal gland in endocrine system. So friends, in the last video we had a study about of parathyroid gland, but in this video we will get to know about the adrenal gland in endocrine system. So friends, watch this video completely so that you can understand the adrenal gland better in the endocrine system. So let's start. फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है इसे हम सुप्रा रीनल भी कहते हैं. फ्रेंड्स, इसे सुप्रा रीनल इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रा मीन्स फ्रेंड्स होता है सुपीरियर यानी कि टॉप साइड, एंड रीनल मीन्स किडनी. सो फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो किडनी के अप साइड टॉप साइड पे प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सुप्रा रीनल. किडनी के टॉप साइड पे प्रेजेंट होती है. एंड फ्रेंड्स, जो किडनी एड्रेनल ग्लैंड होती हैं वो नंबर में टू होती हैं, राइट एड्रेनल एंड लेफ्ट एड्रेनल. एंड फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती हैं ये डिवाइडेड होती हैं टू पार्ट्स में, मेनली जो डिवाइडेड होती हैं टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज मेड्यूलो एंड कॉर्टेक्स. नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है नंबर में टू होती हैं एंड सिचुएटेड होती हैं टॉप ऑफ ईच किडनी. एंड फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती हैं टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, इनके जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स एंड अलग अलग फंक्शंस होते हैं. फ्रेंड्स, फर्स्ट इज जो डिवाइडेशन होता है फर्स्ट इनर मेड्यूला में एंड सेकेंड इज आउटर कॉर्टेक्स में. फ्रेंड्स, जो कॉर्टेक्स होता है उसके थ्री लेयर्स होती हैं, थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं ये. फर्स्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड इज जोना फैसिकुलेटा एंड थर्ड इज जोना रेटिकुलेरिस. एंड फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेयर होती है यानी कि जो आउटर कॉर्टेक्स की जो फर्स्ट लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करती है फ्रेंड्स मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को. एंड सेकेंड जो लेयर होती है वो सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. एंड थर्ड लेयर जो सिक्रीट करती है जोना रेटिकुलरिस लेयर होती है वो सिक्रीट करती है सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स को. फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में. सो फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो इस ये जो कैप्सूल से कवर्ड होती है. ये कैप्सूल फ्रेंड्स होता है एडिपोज टिश्यूज से मिल करके ये कैप्सूल बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है जिससे ये ग्लैंड्स जो होती है वो कवर्ड होती हैं. एंड फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है ये डिवाइडेड होती है कॉर्टेक्स में एंड मेड्यूला. इट इज़ अ कॉर्टेक्स एंड इट इज़ अ मेड्यूला. मेड्यूला इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स. सो फ्रेंड्स, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. फ्रेंड्स, जो कॉर्टेक्स होते हैं इनकी थ्री लेयर्स होती हैं, हम लोगों ने बैक साइड पढ़ा. कॉर्टेक्स की थ्री लेयर्स होती हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, इट इज़ अ जोना ग्लोमेरुलोसा एंड इट इज़ अ जोना फैसिकुलेशा एंड इट इज़ अ जोना रेटिकुलेरिस. सो फ्रेंड्स, इस टाइप से जो होती हैं वो कॉर्टेक्स की लेयर थ्री होती हैं. एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट लेयर जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. फ्रेंड्स, एक वन मोर थिंग, जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा फ्रेंड्स जो होती है लेयर जो कि कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर होती है, ये सिक्रीट करती है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती है. एंड सेकेंड फ्रेंड्स, जो जोना फैसिकुलेटा होती है, सेकेंड लेयर जोना फैसिकुलेटा होती है फ्रेंड्स, ये सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. एंड जो थर्ड लेयर होती है जोना रेटिकुलेरिस, ये सिक्रीट करती है एंड्रोजेंस को. सो इस टाइप से फ्रेंड्स, जो कॉर्टेक्स होते हैं उनकी थ्री लेयर्स होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस. जोना ग्लोमेरुलोसा जो होती है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती है एंड जोना फैसिकुलेटा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, एंड जोना रेटिकुलेरिस जो होती है वो एंड्रोजेंस को सिक्रीट करती है. फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट इज जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है यानी कि जो फर्स्ट लेयर प्रोड्यूस करती है जिस हार्मोन्स को, उसके बारे में देखते हैं. सो फ्रेंड्स, जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ऑल्डोस्टेरोन एंड डेस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं एंड ये मेनली क्या करते हैं, वाटर बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन रखते हैं, वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी में मेंटेन रखते हैं. एंड फ्रेंड्स,
also maintain blood volume and blood pressure. Friends, ये mineral corticoids जो होते हैं हमारी body में blood volume को and blood pressure को भी maintain रखते हैं. नेक्स्ट इज जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वह एक्ट ऑन, ये एक्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम पे. सोडियम एंड पोटेशियम पे एक्ट करते हैं. जो सोडियम होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है एंड पोटेशियम जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है. सो जो फ्रेंड्स मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो हार्मोन, इन जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी कहा जाता है. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड वैल्यूम को मेंटेन रखती हैं एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती हैं. अगर ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में ये हार्मोन सीक्रेट ना हो तो बॉडी क्या हो जाती है, विद इन 3 to 15 days में डेथ भी हो सकती है. सो जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है ये फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि सीक्रेट होता है बाय एड्रेनल ग्लैंड. एंड फ्रेंड्स क्या होता है, एक्ट ऑन सोडियम, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी में वाटर जो होता है रिटेन रहेगा. इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो बॉडी में वाटर सोडियम के साथ रिटेन रहेगा इससे क्या होगा कि जो ब्लड वैल्यूम है वो ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा एंड ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा. एंड नेक्स्ट स्टेज हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में. फ्रेंड्स जो सेकेंड लेयर होती है वो प्रोड्यूस करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, तो इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कॉर्टिसोल. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है वो फ्रेंड्स सीक्रेट करती है फर्स्ट इज कॉर्टिसोल हार्मोन्स को, सेकेंड इज कॉर्टिसोन को एंड थर्ड इज कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है. फ्रेंड्स इनका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इंक्रीज करते हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन को, इंक्रीज करते हैं अमीनो एसिड्स में. फ्रेंड्स इसमें देखते हैं लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन. फ्रेंड्स जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होता है इसे लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं. लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन इसलिए क्यों, फ्रेंड्स इसे क्यों कहते हैं लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस हो गया है, जैसे हमारी हमें कोई भी स्ट्रेस हो गया है तो उस केस में क्या होता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को यूज़ करके जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करते हैं, तो उस एनर्जी को यूज़ करके हम उस स्ट्रेस में इजीली फाइट कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज ट्रॉमा. अगर ट्रॉमा हो जाता है, जैसे हमारी बॉडी में ट्रॉमा हो गया है, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन. फ्रेंड्स ट्रॉमा सच एज कोई इंजरी हो गई है तो उस केस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सच एज स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करेगा तो जो बुंड होता है वो जल्दी से सही हो जाता है. एंड सेकेंड इज एक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. सेकेंड जो वर्क करता है ये ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. हम लोग थर्ड पढ़ते हैं फ्रेंड्स सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन. सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन फ्रेंड्स होते हैं वो टू होते हैं, मेल्स में होता है एंड्रोजन एंड फीमेल्स में होता है ऑस्ट्रोजन. ये टू हार्मोन्स जो होते हैं सिमिलर इन दिस प्रोड्यूस बाय टेस्टिस एंड ओवरीज. ओवरीज से जो फीमेल का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन वो प्रोड्यूस होता है एंड मेल से जो कि टेस्टिन जो होता है वो टेस्टिन से एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस होता है. दीज टू हार्मोन्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड सेक्स डेवलपमेंट. ये टू हार्मोन्स जो होते हैं वो भी सेक्स डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. सच एज फ्रेंड्स जो मेल हार्मोन्स होता है यानी कि एंड्रोजन, वो एंड्रोजन जैसे कि मेल हार्मोन है तो मेल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि हेयर ग्रोथ एंड जो हमारी एक्सिलरी अंडर एक्सिलरी हेयर वो होते हैं वो प्रोड्यूस होना, सो जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डेवलप्ड सेक्स डेवलपमेंट्स होते हैं. एंड फीमेल्स फ्रेंड्स जो होता है फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट होता है. एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ये फीमेल करेक्टरिस्टिक्स को डेवलपमेंट करता है एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी मेंटेन करता है. फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल सीक्रेशन. सो फ्रेंड्स जो क्या करते हैं, जो एड्रेनल कॉर्टिकल सीक्रेशन होता है वेरियस हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से. बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से.
जो कंट्रोल होते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, यानी कि जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसके द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिसऑर्डर ऑफ एडिनोकॉर्टिकल फंक्शंस एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो फ्रेंड्स, जो एडिनोकॉर्टिकल फंक्शंस होते हैं इनके डिसऑर्डर्स क्या हैं, मींस अगर ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होने लगा या कम हार्मोन प्रोड्यूस होने लगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपो फंक्शन, यानी कि जब कम एक्टिविटी होने लगती है, हाइपो फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो है हाइपो फंक्शन है, यानी कि हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एडिसन्स डिसीज होने के चांसेस होते हैं। एंड सेकेंड इज इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स बाय लॉस वेट, यानी कि हमारा जो वजन होता है, वेट होता है बॉडी का, वो कम होने लगता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन फ्रेंड्स, जो कलर जिससे हमारे फेस कलर या जिससे हमारी बॉडी कलरेशन होता है उसका पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन, ये सब फ्रेंड्स डिसीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज हाइपर फंक्शन, अगर फ्रेंड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है अगर ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, हाइपर फंक्शन, यानी कि हाइपर फंक्शन प्रोसीजर कुशिंग सिंड्रोम, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम्स होने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, कुशिंग सिंड्रोम्स यानी कि सच एज मून फेस, जैसे जो हमारा मून होता है वो फेस जो होता है वो मून की तरह लगने लगता है। इट इज़ करेक्टराइज बाई डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन फेस एंड नेक, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, इस टाइप से जो एड्रिनल कॉर्टिकल है अगर ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फेस जो हमारा है मून के जैसे, कुशिंग सिंड्रोम्स, ये सब हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल मेडुला, सो दैट दे कैन अकर एज फ्यूक्रोमेटोक करेक्टरिस्टिक्स बाय ट्यूमर इन द एड्रिनल मेडुला, दिस एक्सेसिव सिक्रेशन एड्रेनालिन एंड मोनोएड्रेनिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जो एड्रेनालिन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।